लिखते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। टाइटल दो कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर 3D फ्लो। कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर 3D फ्लो इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर 3D फ्लो इन कार्टेशियन, CARTESIAN, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। लिखते हैं उसमें कंसीडर अ रेक्टेंगुलर फ्लूड एलिमेंट। कंसीडर अ रेक्टेंगुलर फ्लूड एलिमेंट विथ साइड्स dx, dy एंड dz। With sides dx, dy and dz as shown. Full stop. Let the center of element is at point P. Let the center of element is at point P having coordinates x, y, z, having coordinates x, y, z, comma, the velocity components in x, y, z directions are, the velocity components in x, y, z directions are u, chota u, comma, v and w. U, V and W. Full stop. Let rho be the density of a fluid. Let rho be the density of fluid. बनाते डायग्राम बनाते अभी जो भी डेरिवेशन है सब थोड़े बड़े बड़े हैं।
हो गया डायग्राम डन, अच्छे से बना है। याद इस चैप्टर में जो अपना वेलोसिटी था, कैपिटल वेलोसिटी, इसके तीन कंपोनेंट थे, यू वी और डब्ल्यू। पहले डायग्राम समझ लो। एक हमने फ्लूड एलिमेंट कंसीडर किया, ओके, उस पर एक पॉइंट पी कंसीडर किया सेंटर में, जिसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई जेड, ओके। ये डायमेंशन डी एक्स, हाइट डी वाई, और थर्ड डायमेंशन डी जेड, कहीं पे भी लिख दो, यहां पे लिखा डी जेड, सेंटर में है, दैट्स व्हाई dx बाय 2, dx बाय 2, यहां से ये फ्लो अंदर आ रहा है, इसमें कुछ तो ये ऐड होगा और ये ऐड होके बाहर जाएगा, ये ऐसा है, ओके। अंदर क्या आया, रो u माइनस डबा रो u डबा x, देखो फिर से वही वही पैटर्न है, ऑलमोस्ट एफएम के हर डेरिवेशन में वही पैटर्न है जो अभी तुमको मैंने बताया, कि एक पॉइंट से दूसरे जगह पे गए तो वो पैरामीटर चेंज होता है। जैसे पिछले इसमें हमने क्या बोला, p प्लस डबा p बाय डबा h बोला, और साथ में क्या लिखा, dh ब्रैकेट क्लोज इनटू एरिया, ओके। सेम चीज यहां पे, ये टर्म लिखा है मल्टीप्लाई बाय क्या लिखा है, dy dz। क्यों लिखा है dy dz, क्योंकि ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, हाइट इसका dy और ये डायमेंशन इसका dz, dy dz, यहां पे भी देखो लिखा है dy dz। माइनस यहां पे इसलिए लिखा है क्योंकि ये इसको अपन सेंटर मान रहे हैं, ये इसके पीछे है, दैट्स व्हाई इसको माइनस लिखा है, और ये पार्ट इसके आगे है, दैट्स व्हाई उसको उधर प्लस लिखा है। जो टर्म इधर है सेम टर्म इधर है, सिर्फ यहां पे माइनस है, यहां पे प्लस है। रो यू डबा रो यू बाय डबा एक्स इनटू क्या लिखा है, डबा एच, अपन डी एच लिखते हैं, लेकिन यहां पे क्या लिखा, डी एक्स बाय टू लिखा, क्योंकि ये कितना पीछे है यहां से, डी एक्स बाय टू, और ये कितना आगे यहां से, प्लस डी एक्स बाय टू, इसलिए हमने प्लस डी एक्स बाय टू लिखा, यहां पे माइनस डी एक्स बाय टू लिखा है, ओके। नाउ रो यू क्या है, रो यू टर्म क्या होता है, नहीं रो यू का प्रोडक्ट मतलब क्या, ये अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनता, रो यू डी वाई डी जेड, दिस इज नथिंग बट योर मास फ्लो रेट, एम डॉट लिखते थे ना हम उसको, और हम क्या बोलते थे, एम डॉट रो ए वी, भूले बिसरे गीत की जैसे हो गए तुम लोग तो, ठीक है, टोटली ब्लैंक, टोटल फोकस ऑन ओनली लास्ट टू यूनिट्स, है ना, वो भी ढंग से नहीं है, वो भी हवा में लटक रहा है, 20 लेने है ना, और 20 लेके जिंदगी में कौन सा बड़ा काम कर लेंगे, थर्ड ईयर में जाएंगे बराबर ना, ओके, कीप इट अप, नो प्रॉब्लम। तो एम डॉट रो डेंसिटी लिखा, एरिया कौन सा एरिया था, ये डीवाई इंटू डी जेड, तो ये एरिया हुआ, और इंटू वेलोसिटी, तो यहां पे मैंने क्या लिखा है, यू, क्यों लिखा यू, वी डब्ल्यू क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम हैं अलोंग एक्स एक्सिस, इसलिए वेलोसिटी का अलोंग एक्स कंपोनेंट कौन सा, यू, समझा, अगर वैसा ही अलोंग वाई लिखना होता तो क्या लिखते, रो वी माइनस डबा रो वी बाय डबा वाई डी वाई बाय टू डी ए डी एक्स डी जेड, वो ऐसा एंटर होता और ऐसा बाहर निकलता है यहां से, समझा, हर एक चीज का कुछ तो सिग्निफिकेंस है, ठीक है।
ऐसा कुछ भी तुमको रटवाया नहीं जा रहा कि रट लो, ऐसा चलता डेरिवेटिव स्टैंडर्ड रहता, ऐसा नहीं। समझ के करो, एक वैल्यू याद रखेंगे तो अपने आप दूसरा वैल्यू भी याद रहेगा। क्लियर? डायग्राम क्लियर? लिखते हैं। बाय कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल, बाय कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल, रेट ऑफ इनफ्लो ऑफ मास, रेट ऑफ इनफ्लो ऑफ मास इक्वल टू रेट ऑफ आउटफ्लो ऑफ मास, इक्वल टू रेट ऑफ आउटफ्लो ऑफ मास प्लस प्लस रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ मास, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ मास। नीचे लिख दो, देयरफॉर रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ मास इक्वल टू क्या होगा? इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। तो इनफ्लो मतलब अंदर आए ये टर्म, ठीक है? तो क्या हुआ अंदर आने वाला टर्म? रो यू माइनस डबल रो यू बाय डबल एक्स डीएक्स बाय टू डीवाई डीजेड माइनस रो यू प्लस डबल रो यू डबल एक्स डीएक्स बाय टू डीवाई डीजेड। क्या होगा? ये रो यू अंदर गया, माइनस अंदर गया, रो यू कैंसल, और ये माइनस, ये भी होता माइनस, डबल हो जाता, वो बचता माइनस। क्या बचा? डबल रो यू बाय डबल एक्स ट्वाइस हुआ, और ये डी एक्स बाय टू का टू कैंसल। क्या बचा फिर? डीएक्स डी वाई डी जेड। ये था रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ मास इन एक्स डायरेक्शन। अगर वैसा ही लिखते हम वाई डायरेक्शन तो क्या था? माइनस डेबा रो वी डेबा वाई, वॉल्यूम तो सेम ही रहता, डीएक्स डी वाई डी जेड। अगर जेड डायरेक्शन लिखते माइनस डेबा रो डब्ल्यू डेबा जेड डीएक्स डी वाई डी जेड, टोटल इंक्रीज इन मास फ्लो रेट, तीनों को ऐड कर देते, तीनों का एडिशन आता, क्या था? माइनस डबल रो यू बाय डबल एक्स माइनस डबल रो वी बाय डबल वाई माइनस डबल रो डब्ल्यू अपॉन डबल जेड, और सबके लिए डीएक्स डी वाई डी जेड। लिखते हैं। समझा ना स्टेप? ये इनफ्लो माइनस आउटफ्लो डबल हो गया, इसलिए वो बाय टू कैंसल, एक्स डायरेक्शन का हुआ वैसे वाई वैसे जेड, और टोटल। डन।
ये जो आया इसको इक्वेशन नंबर वन दे दो। अभी हम इक्वेशन टू बनाएंगे और वन टू को इक्वेट कर देंगे, होगा डेरिवेशन। लिखते नीचे, बट द मास ऑफ फ्लूइड, बट द मास ऑफ फ्लूइड इन द एलिमेंट, बट द मास ऑफ फ्लूइड इन द एलिमेंट इक्वल टू रो, इक्वल टू रो इंटू डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड, रो डी एक्स डी वाई डी जेड, रो डी एक्स डी वाई डी जेड। नीचे लिखो, नीचे लिखो, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ मास, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ मास अभी जो लिखा हमने, लिखा मास, बेसिकली डेंसिटी क्या था, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास लिखा मैंने डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हमने बोला डी एक्स डी वाई डी जेड। ये सिर्फ मास हुआ, इसका यूनिट क्या आएगा, केजी। ये जो टर्म लिखा है ये क्या बोला था मैंने, एम डॉट है, एम डॉट मास फ्लो रेट है, तो इसका यूनिट क्या आने वाला है, केजी पर सेकंड। तो अगर मुझे इसको इससे इक्वेट करना है तो इसको भी केजी पर सेकंड बनाना पड़ेगा, समझे, ठीक। तो इसलिए हमने क्या लिखा, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ मास, इसको करना पड़ेगा डिवाइड बाय टाइम, है ना। तो अपन लिख देंगे इसको ऐसे, डबा बाय डबा टी रो डी एक्स डी वाई डी जेड, तो रो बाहर ले लेते, डबा रो बाय डबा टी डी एक्स डी वाई डी जेड। अब देखो ये भी मास फ्लो रेट हो गया और ये भी मास फ्लो रेट। अब ये हुआ अपना इक्वेशन नंबर टू, वन और टू दोनों मास फ्लो रेट, दोनों को अभी हम इक्वेट कर देंगे। लिखते, डन, इक्वेट करते दोनों को, माइनस डबा रो यू डबा एक्स माइनस डबा रो वी डबा वाई माइनस डबा रो डब्ल्यू डबा जेड इक्वल टू डबा रो बाय डबा टी डी एक्स डी वाई डी जेड कैंसिल हो गया दोनों तरफ से, ओके सबको एक तरफ ले लो, क्या बन गया इक्वेशन, अच्छा डबा रो बाय डबा टी प्लस डबा रो यू बाय डबा एक्स डबा रो वी बाय डबा वाई डबा रो डब्ल्यू बाय डबा जेड इक्वल टू जीरो। ये है अपना असली कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर थ्री डी फ्लो, ये इसके बाद हम बोलते थे अगर वो फ्लो स्टेडी फ्लो है, स्टेडी फ्लो का मतलब क्या था, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम सब कुछ कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जीरो हो जाएगा, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, कब, जब वो फ्लो स्टेडी फ्लो है। फॉर स्टेडी फ्लो डबा रो बाय डबा टी इक्वल टू जीरो, और अगर हम बोले कि फ्लूइड इनकॉम्प्रेसिबल है, इनकॉम्प्रेसिबल का मतलब था डेंसिटी कांस्टेंट, डेंसिटी कांस्टेंट मतलब अब ये जो टर्म जा चुका था, ये जो रो डेरिवेटिव के अंदर है वो रो भी डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा, कॉमन निकल जाएगा और जीरो से डिवाइड हो जाएगा, तो वो भी कैंसिल हो गया, और बचा क्या फिर, डबा यू बाय डबा एक्स डबा वी बाय डबा वाई
डबा डब्ल्यू बाय डबा जेड इक्वल टू जीरो। ओके, ये था अपना असली इक्वेशन, एप्लीकेबल फॉर ऑल, स्टडी अनस्टडी, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, कॉम्प्रेसिबल इनकॉम्प्रेसिबल, सबके लिए, ठीक है।